तो हेलो गाइस, बाकी हनमा सीजन 2 एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि ओजीरो ओलिवर से कहता है, तो तुम अमेरिका के सबसे ताकतवर इंसान हो और मैंने सुना है कि तुम्हें इस जेल में बहुत ही ज्यादा छूट दे दी गई है। तो ओलिवर कहता है, ये तो कुछ भी नहीं, एक दिन ये पूरा जेल ही मेरे कब्जे में होगा। फिर ओजीरो कहता है, तुम्हें यहाँ पे रहने के लिए अच्छी जगह, खाने को अच्छा खाना, पढ़ने को इतनी सारी किताबें, ये सब मौजूद है, तुम्हें नहीं लगता ये सब तुम्हारी अवकाश से ज्यादा है? तो ओलिवर कहता है, ये सब मेरे लिए काफी है। तुम मुझे बताओ, तुम्हारा वो बेटा उस प्राचीन काल से आए हुए इंसान से लड़ा था, तो उस लड़ाई में कौन जीता? वही ओजीरो बताता है, वो लड़का जो पैदा ही कमजोर हुआ था, उसने उस लड़ाई में बच्चों जैसी हरकतें कर दी, जिस वजह से वो उस लड़ाई को हार गया। तो ये सुन के ओलिवर कहता है, ऐसा तो होना ही था, वो भी तुम्हारी तरह कमजोर है। जिसके बाद वो ओजीरो पे अटैक कर देता है, लेकिन ओजीरो उसे एक जोरदार पंच लगाता है और उसे दूर फेंक देता है। मगर ओलिवर फिर से खड़ा होता है और ओजीरो से कहता है, मुझे पता है मैं तुम्हें फाइटिंग में नहीं हरा सकता, तो क्यों ना एक में की ताकत आजमाई जाए। इसके बाद वह दोनों आपस में भिड़ जाते हैं। तो ओजीरो कहता है, जो कोई भी सबसे पहले नीचे गिरेगा वो ये लड़ाई को हार जाएगा। और तभी हम देखते हैं कि ओजीरो ने अपनी पूरी ताकत लगा के ओलिवर को अपने घुटनों में गिरा दिया होता है और इसी के साथ ओजीरो इस लड़ाई को जीत जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि तोकुगावा के सामने एक पर्सन अपने घुटनों में बैठकर कह रहा होता है, आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा सर। तो तोकुगावा कहता है, इतनी फॉर्मेलिटी क्यों कर रहे हो, चलो जल्दी से अपना चेहरा दिखाओ। और वो पर्सन होता है प्राइम मिनिस्टर। अब तोकुगावा उससे कहता है, तुमने अभी अभी काम ज्वाइन किया है तो तुम्हें मुश्किलें आएंगी ही। तो प्राइम मिनिस्टर कहता है, सर काम बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, जिस वजह से कभी कभी लगता है कि काम छोड़ दूं। फिर तोकुगावा उससे मुद्दे की बात करता है और कहता है, तुम्हें तो पता ही है कि हर इलाज के लिए दवाई लगती है, तो तुम्हें कितनी दवाई चाहिए? तोकुगावा की बात उस प्राइम मिनिस्टर को समझ में नहीं आती है। तो तोकुगावा कहता है, अरे मैं तुम्हारे साथ पैसे की बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ पैसे गिन के नहीं बल्कि उसका वजन करके दिए जाते हैं। जिसके बाद तोकुगावा वहाँ पे कई सारे पैसे मंगवाता है और उस प्राइम मिनिस्टर को कहता है, इन पैसों का वजन करीबन 300 किलो है और इसकी कीमत करीबन $10 बिलियन है, तो अभी तुम्हें इसे ले जाने के लिए यहाँ पे एक ट्रक बुलाना पड़ेगा। तो अब तोकुगावा कहता है, तुम भरोसे के लायक लगते हो प्राइम मिनिस्टर, तो मैं तुमसे एक मदद चाहता हूँ। प्राइम मिनिस्टर कहता है, आप बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कुछ लोगों के साथ बैठे होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर उनसे कहते हैं, मुझे एक बात नहीं समझ रही, तोकुगावा ने मुझे इतने सारे पैसे देके बस एक बाप बेटे की लड़ाई के लिए परमिशन क्यों मांगी? तो उनकी ये बस उनके डिफेंस मिनिस्टर उन्हें बताते हैं, मुझे पता है आप किसकी बात कर रहे हो, आप ओजीरो हनमा की बात कर रहे हो। वही फिर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, अरे हाँ मुझे भी इस ओजीरो हनमा के बारे में कुछ बताओ। तो डिफेंस मिनिस्टर उन्हें बताते हैं, ओजीरो हनमा इस दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान है, उन्हें आज तक कोई भी नहीं हरा पाया, उन्हें किसी भी हथियार की जरूरत नहीं पड़ती, वो अकेला ही 100 लोगों के बराबर है। ये सुन के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, ऐसा इंसान तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, लेकिन अगर वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया तो उसकी पूरी हेकड़ी निकल जाएंगी। तो डिफेंस मिनिस्टर उन्हें बताता है, ऐसा नहीं हो सकता है, एक बार एक प्राइम मिनिस्टर ओजीरो के खिलाफ गया था तो ओजीरो हनमा को ये बात पसंद नहीं आई, जिस वजह से ओजीरो हनमा उनके घर उन्हें मारने चले गया। उस प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पे करीबन 100 पुलिस वालों को खड़ा किया था, लेकिन ओजीरो ने उन सबको हरा दिया। उसकी ये बात सुनके प्राइम मिनिस्टर कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, आपका इसमें क्या कहना है एजुकेशन मिनिस्टर? तो अब प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, हाँ मैंने भी उस बात को सुनी थी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने उस बात को दबा दिए थे। अगर मेरे हिसाब से मैं आपको बताऊं तो आपको इस फाइट की परमिशन नहीं देना चाहिए। अगर हमने इन बाप बेटे की फाइट की परमिशन दी तो इस वजह से देश के नौजवानों पे बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। तो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, हाँ मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, लेकिन इससे पहले मुझे इस फाइट के बारे में कुछ और भी इन्फॉर्मेशन निकालनी है। जिसके बाद हम प्राइम मिनिस्टर को एक पर्सन के साथ देखते हैं। वो पर्सन प्राइम मिनिस्टर को बताता है, यही है वो ओजीरो हनमा जिसे कोई नहीं हरा सकता। ये तस्वीर एक साल पहले सैटेलाइट के द्वारा खींची गई थी। वही जब प्राइम मिनिस्टर उस तस्वीर को देखते हैं तो कहते हैं,
ये तो सच में एक राक्षस के जैसे दिख रहा है। तो वो पर्सन कहता है, ये राक्षस जैसे दिखता ही नहीं बल्कि इसकी हरकतें भी राक्षसों जैसी है। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, अगर हम इस पर्सन को सामने से नहीं मार सकते हैं तो हम इसको स्नाइपर के द्वारा भी तो मार सकते हैं ना। तो वो पर्सन कहता है, नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, अगर हमने यूजीरो को मारा तो अमेरिका हमारा दुश्मन बन जाएगा, और अगर अमेरिका ने यूजीरो को मारा तो पूरी दुनिया उसकी दुश्मन बन जाएगी, क्योंकि हर कोई यूजीरो की ताकत को अपने पास रखना चाहता है। तो फिर प्राइम मिनिस्टर कहता है, अगर ऐसी ही बात है तो मुझे लग रहा है कि मुझे उस फाइट की परमिशन दे ही देनी चाहिए। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम कैप्टन स्ट्राइडम को देखते हैं। कैप्टन स्ट्राइडम उन लोगों से कहते हैं, देखो हम सब यहाँ पे इसलिए इकट्ठा हुए हैं ताकि मैं तुम्हें जंग में लड़ने की कुछ टेक्निक सिखा सकूं। तुम सबको तो पता ही है कि हमारे पास कभी कभी जंग में हथियार नहीं रहते, तो मैं तुम्हें वो टेक्निक सिखाने वाला हूँ कि तुम वो जंग में यूज कर सकते हो। इसके बाद स्ट्राइडम मार्क को बुलाता है और उससे कहता है, मैंने सुना है तुम बॉक्सिंग करते हो और तुम्हें मार्शल आर्ट भी आता है, तो तुम मुझे अपने एक ही वार में खत्म कर दो। स्ट्राइडम की ये बात सुनते ही मार्क रेडी हो जाता है और स्ट्राइडम पे अटैक कर देता है, मगर उससे पहले स्ट्राइडम मार्क के अक्रोड पे एक जोरदार लात मारता है जिससे कि मार्क को बहुत ही ज्यादा पेन होता है। फिर स्ट्राइडम एक एक करके सारे फाइटर्स को अपने साथ लड़ने के लिए बुलाने लगता है और वही वो एक की बार में सारे फाइटर्स को खत्म करने लगता है, और ये देख के वहाँ पर जितने भी लोग बैठे होते हैं वो सब बहुत ही हैरान हो जाते हैं। फिर स्ट्राइडम उन लोगों से कहता है, तो आप सब लोगों ने देख ही लिया कि कभी कभी जंग में टेक्निक से भी लड़ाई जीती जा सकती है। तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन खत्म होता है और हमारा एपिसोड भी एंड होता है। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे होंगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।